अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात होने जा रही है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं के भी आप रहने वाले हैं तो कुवैत देश में एंट्री का क्या प्रोसेस है और आप कैसे एंट्री लेंगे, क्या क्वारंटाइन का सिस्टम होगा, कैसे आपका PCR टेस्ट होगा और कैसे अपनी जॉब पर लौट पाएंगे और क्वारंटाइन से लेकर के आपके टिकट अमाउंट कितने खर्चा होने वाले हैं और इन खर्चों से कैसे बचे और अपना पैसा कैसे सेफ रखें, कुछ मैं टिप्स दूंगा, कुछ आपको अपडेट के आधार पर इस वीडियो में अपडेट करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट और ज़रूरी बात यह भी बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी अपडेट मैं देने जा रहा हूं ये कोई ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई अपडेट के आधार पर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि रोज़ आपकी कैबिनेट में मीटिंग होती है और प्लान बनते हैं और उस प्लान के आधार पर, उस अपडेट के आधार पर आपको आने वाले वक्त में फ़्लाइट शुरू होने की संभावनाओं के तहत आप लोगों के अमाउंट और आप लोग का आने का प्रोसेस सारा चीज़ आपको अपडेट के आधार पर जो मिलेगा वो कोई ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर अपडेट नहीं किया गया है और ना ही ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर कोई डेट निर्धारित की गई है और ना ही कुवैत DGCA विभाग ने, कुवैत एयरवेज विभाग ने, किसी विभाग ने कोई अपडेट अभी तक नहीं दी है। ये अदर वेबसाइट से ली गई अपडेट के आधार पर ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और ये जानकारी लेना भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए फ्लाइट का सिस्टम और पूरी जानकारी इसी के तहत होने वाली है, तो जानना जरूरी है। जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए कुवैत की हर एक अपडेट से अपडेट रहने के लिए। चलिए जानते हैं कि आप अपने एयरपोर्ट से कुवैत एयरपोर्ट यानी कुवैत देश में एंट्री के क्या क्या प्रोसेस हैं और कितना अमाउंट खर्चा होने वाला है और इन चीजों से कैसे आप बचे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोगों के लिए यानी कि खासकर इंडिया से करीबन 600 आदमी पर डे आने की संभावना है और इस तरीके से देखा जाए तो लिमिटेड सीटें होंगी, तो इसलिए आप लोगों को भी आने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और रही बात टिकट के अमाउंट की, तो करीबन 110-120 ऐसा ही आसपास टिकट होगा। जहाँ तक कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज की फ़्लाइटें जैसे ही शुरू होंगी टिकट अमाउंट सस्ते होने की संभावना है। सबसे पहले वैलिड अकामे वाले, सिविल आईडी वाले और खासकर 20 नंबर वीजा वाले ही कुवैत देश में एंट्री कर पाएंगे। इसके अलावा अदर वीजा के जो नंबर्स हैं उन लोग कमेंट ना करें, क्योंकि उन लोगों का बाद में नंबर आएगा। जो अपडेट आ रही है उस अपडेट के आधार पर 20 नंबर वीजा वाले सबसे पहले आएंगे। इसके अलावा अगर आप कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं तो आप लोगों को PCR की अपडेट के बारे में जानकारी पहले से ही दे दी गई है। आप लोगों को पूरी वीडियो के जरिए से एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे ICMR सेंटर्स जहां, वहां पर आप PCR करा करके कुवैत देश में डायरेक्ट फ्लाइटों के तहत आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 20 नंबर वीज़े के तहत हैं, ड्राइवर हारिस हैं या कोई भी हैं, तो अपने कफील से आप बात कर लीजिए। टिप्स आपके लोगों के लिए यही है कि आपका जो टिकट का अमाउंट होगा और जब यहाँ पर आप क्वारंटाइन होंगे तो यहाँ पर शेल्टर जो तैयार किया जा रहा है उसमें आप क्वारंटाइन होंगे, वहाँ पर जो खाना पीना होगा इसका लगभग देखा जाए तो 300 से 350 दिनार खर्चा होने की संभावना है। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, फ्लैक्चुएट हो सकता है। इसके अलावा जो भी आपका खर्चा होगा ये आपका कफील, आपका कुवैती वहन कर सकता है, शायद आप लोगों को देना भी ना पड़े। बस आप लोगों के लिए टिकट का जो सिस्टम है वो आप अपने कफील से बात कर लीजिए और टिकट खुद मंगवा लीजिए। जैसे ही यहाँ पर एंट्री शुरू होती है आपका कुवैती अगर आपको बुलाना चाहता है तो खुद ब खुद आपको टिकट दे देगा। इसके अलावा अगर आप नहीं कहना चाहते हैं, अपने आधार पर आना चाहते हैं, तो इसके तहत आप लोगों को पूरा प्रोसेस की जानकारी पहले ही अपडेट कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप ICMR सेंटर्स से अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं PCR की, और कुवैत में जैसे ही डायरेक्ट फ्लाइटें शुरू होंगी आप कुवैत देश में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एंट्री करने के प्रोसेस के आधार पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। यहाँ के खर्चा और यहाँ के PCR का खर्चा और यहाँ के खाने पीने का खर्चा लगभग आपका 300 से 350 दिनार खर्चा होने की संभावना है, तो इस चीज़ के लिए आप अपना बजट बना के चलिएगा और उसी हिसाब से कुवैत
देश में आप एंट्री करिएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट से निकल करके आती है, यानी कि जो भी डेट निर्धारित होती है, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट से ये अपडेट ना आ जाए तब तक मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे सकता, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप लोगों तक अपनी वीडियो तभी पहुंचा पाऊंगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कुवैत देश में एंट्री करना चाहते हैं तो इन सब प्रोसेस को फॉलो करिए, और अभी इन प्रोसेस के तहत कोई फाइनल प्रोसेस नहीं आया है, तो यानी कि आप इंतजार कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो का, कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट आती है फाइनल अपडेट जानने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, जय हिंद, जय भारत।